राजकोट के पास सापर वेरावल में आज पलायन करने वाले मजदूरों में यह संदेश बड़ी तेजी से वायरल हो गया कि श्रमिकों को घर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे श्रमिक मजदूरों की भीड़ ने नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हुई और चक्का जाम किया और उपसाए हुए मजदूरों ने वाहनों में तोड़फोड़ भी शुरू की और फिर पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया। और साथ ही इस घटना को कवरेज करने गए एबीपी अस्मिता के पत्रकार हार्दिक पर भी बेकाबू हुई भीड़ ने हमला किया और पत्रकार हार्दिक को बेरहमी पूर्वक पीटा गया। जब पत्रकार बुरी तरह पिट रहे थे तब पुलिस भी वहां मौजूद थी और बुत बनकर तमाशा देख रही थी। हालांकि बाद में पुलिस ने पत्रकार पर हमला करने वाले 29 लोगों को गिरफ्तार किया। बेकाबू हुए श्रमिकों की भीड़ में से एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बना रहा था और मीडिया का अपमान भी कर रहा था। वीडियो में किसी ने कहा कि मारो के पास मीडिया है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि यहाँ तक कि मीडिया के लोग हमारा कवरेज नहीं लेते। इस बात पर भड़की भीड़ ने पत्रकार को बेरहमी पूर्वक पीटा। इस घटना में पत्रकार हार्दिक के सर पर गहरी चोटें आई, जिसमें पत्रकार का सर फट गया और वो खून से सनी हुई हालतों में पाए गए। हालांकि कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। अब सवाल ये उठता है कि समग्र हालातों, समग्र घटना के बीच पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद भी बेकाबू हुए मजदूरों की भीड़ ने पत्रकार पर हमला बोला और पुलिस कार्यवाही करने की बजाय बुत बनकर तमाशा देखती रही। पत्रकार को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर पर 4 टांके लगे। श्रमिक मजदूरों ने पत्रकार का कैमरा भी छीन लिया था। हालांकि श्रमिक मजदूरों की भीड़ को उपसाने वाले और वीडियो बनाने वाले शख्स की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़।